आजकल तो आप ये भी कह रहे हैं कि एम्पायर ही आजकल बैटिंग भी कर रहे हैं और एम्पायर ही आजकल बॉलिंग भी कर रहे हैं। ऐसे में आपको फेयर प्ले कितना लगता है, भारत की राजनीति में कितना फेयर प्ले है? पूरी दुनिया भारत का लोकतंत्र, उसकी विशालता, इसको लेकर के बहुत प्रसन्न है। हम ही लोग हैं कि जिनको आदत हो गई अपने आप को कोसने की, आदत हो गई है। और लंबे अरसे तक जो लोग सत्ता में रहे हैं, जिन्होंने सिवाय सत्ता को देखा ही नहीं है, वे इन सभी इंस्टीट्यूशन उनकी इच्छा के अनुसार चलनी चाहिए इस मत के रहे हैं। उनकी सोच के बाहर कुछ भी सही होता है तो उनके लिए वो बहुत बड़ा खतरा हो जाता है, क्योंकि 70 साल उन्होंने वही किया है। अब देश में बड़ी मुश्किल से सभी इंस्टीट्यूशन स्वतंत्रता से काम कर रही है, अपने तरीके से कर रही है। हमारा देश का इलेक्शन कमीशन, इतना बड़ा चुनाव ऑर्गेनाइज करना और बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज करना, एक्चुअली हम सब ने मिल करके दुनिया में हमारे लोकतंत्र का भी ब्रांडिंग करना चाहिए, हमारी चुनाव प्रक्रिया का भी ब्रांडिंग करना चाहिए। पर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा, फेयर प्ले एक तो ये है, लेकिन फेयर प्ले का जो दूसरा पहलू है वो ये है कि क्या आपके लिए और राहुल गांधी के लिए, आपके लिए और ममता बनर्जी के लिए, आपके लिए दूसरे विपक्षी दलों के लिए समान बेंचमार्क हैं क्या? क्या आपको और उनको एक ही बेंचमार्क पर तोला जाता है? क्या ऐसा नहीं होता कि आपके साथ कहीं नाइंसाफी होती है, उसी चीज़ को आपके खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया जाता है, और अगर वो करें तो उसको सही माना जाता है, तो वो भी एक फेयर प्ले है? आप जानकारी मैं बताता हूँ, मेरी जिंदगी में मुझे कभी रॉन्ग साइड पार्किंग का या रॉन्ग साइड ड्राइविंग का भी मेरे जीवन में कोई गुनाह नहीं हुआ है। मैं इतना एक सिविलियन लाइफ में सिटीजन नॉर्म्स जो होते हैं उसको भली भांति, अनजाने में कुछ हो गया तो मुझे भी मालूम नहीं आता। मेरे जीवन में कभी कोई FIR नहीं लिखी गई, पूरे जीवन में पहली बार मेरे खिलाफ FIR कब लिखी गई, 2014 में भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्लियामेंट का उम्मीदवार था, प्रधानमंत्री पद का भी घोषित उम्मीदवार था, और मैं मेरे वोट अहमदाबाद में, जहां मैं कैंडिडेट भी नहीं हूं, वहां मैं वोट देने गया था। पहली बार मेरी जिंदगी में एक झूठा केस बना करके FIR लिखवाई गई, और FIR भी समय से पहले इलेक्शन कमीशन ने मीटिंग बुला करके विद इन नो टाइम किसी का ओपिनियन लिए बिना आदेश दे दिया, आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आप हैरान हो जाएंगे, मैं बनारस चुनाव लड़ने गया था, मैं बनारस में बिल्कुल नया था, नामांकन भरने गया तब देश ने देखा कि भाई हाँ ये हमारा उम्मीदवार है। उस समय जो अफसर थे, जिसकी भी उनको मार्गदर्शन मिलती होगा, रोड शो करके मैं नामांकन भरने गया, तय था कि रोड शो के बाद मेरी पब्लिक मीटिंग होगी, मैं भाषण करूंगा, बाद में नामांकन के लिए जाऊंगा, सारी परमिशन थी। रोड शो पूरा होने के बाद जब पता चला तो हमारी परमिशन कैंसिल हो गई थी, भाषण नहीं हुआ मेरा। पूरा चुनाव मैं बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि मुझे मेरे मतदाताओं से अपनी बात बताने का मौका दीजिए, हाँ बिल्कुल आपको देते हैं, लास्ट मोमेंट कैंसिल। एक भी बार पब्लिक से मेरा नाता नहीं आया बनारस में 2014 में, फिर भी न मैंने कभी चिल्लाया, न आंसू बहाए, न इसके ऊपर आरोप किया, न उसके ऊपर आरोप किया।